हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेरी गुड मॉर्निंग। सो हो चुका है 9:30, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। तो एक्चुअली सारे राइडर्स वगैरह सब निकल चुके हैं, तो मैं उन लोग के साथ तो आज जा नहीं पाया। बट क्या हुआ कि चलो लाइक प्लानिंग जो है 31st का राइड का आखिरी राइड है, तो क्यों ना कहीं अच्छी जगह चले। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ वांद्री लेक के लिए। सो वांद्री लेक यहाँ से कुछ 71 to 72 किलोमीटर है, वहाँ जाके नाश्ता करूँगा। थोड़ा व्यू पॉइंट है वहाँ का, व्यूज़ वगैरह लूँगा एंड थोड़ा एक्सपीरियंस लूँगा। गर्मी है बट ऐसा इतना गर्मी नहीं, ठंड का मौसम है। अगर ये समर होता तो शायद मैं अभी 9:30 में राइड के लिए नहीं निकलता, जैसे जैकेट पहन के। इतना गर्मी नहीं लग रहा है, सिर्फ थोड़ा सा हीट आएगा, बट हाईवे मिलेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। सो ये हम अपना जैकेट पूरा रेडी है, कल ही मैंने पूरा धो धा के एकदम मस्त एकदम शाइनिंग करके रखा है, तो देखने में एकदम लग रहा है। तो वहाँ जाके इसका वीडियो भी अच्छे से बनाऊंगा, रील्स वगैरह में, तो फॉलो कीजिए। तो गाइस चलो निकलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम जा रहे हैं वांद्री लेक, क्योंकि क्या राइड जो है करने वाले थे ग्रुप्स के साथ, बट हो चुका था पोपट मेरे साथ, क्योंकि रात भर सोया नहीं था। और जब सोया तो नींद नहीं खुली, और जब आँखें खुली थी तो टाइम हो चुका था कुछ 9:30। तो इसकी वजह से सोचा कि लाइक बाइक राइड अगर ग्रुप के साथ नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। तो अकेला ही निकल चुका हूँ मैं अभी वांद्री लेक की तरफ, क्योंकि वांद्री लेक 2019 में मैं वांद्री लेक गया था, तब उस टाइम में बहुत ही अलग ही था। बट अभी जिस टाइम अपना एडवेंचर अपना रॉकेट को लेके जा रहा हूँ, और लेट्स सी वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। और टाइम हो चुका है 10:00। सो गाइस, जाते जाते एक अचानक से शॉक मिला मुझे। मैंने कल कुछ 1320 रुपये का पेट्रोल डाला था, और मुझे जो किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, अब शॉक हो जाओगे देख के, 500 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है 1320 रुपये पेट्रोल में। क्या बात है, ये सच है या ऐसे ही मतलब दिखाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। KTM 390 एडवेंचर, और फिलहाल राइड एकदम स्मूथ चल रहा है। अपन अभी ट्रैफिक भी बहुत मिल रहा था, तो इसकी वजह से अभी लोग हॉलीडेज़ वगैरह जा रहे हैं ना, और 31st है। सो अभी वांद्री लेक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, तो लेफ्ट लेके अपन एंट्री करेंगे। I do that 3 times again, I testify for you. I told I like you, that bitch, I do it all, and I'm around, you're scared to do it. I'm not, as long as you joking, now here for me, I ain't got it. I been scheming, looting, I ain't your body. As long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. So guys, वांद्री लेक ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, और बहुत ही अच्छा है। आज ट्रैफिक तो बहुत मिला मुझे आते वक्त, अभी जाते वक्त भी ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है, क्योंकि आगे जैसे ही आप टोल नाका क्रॉस करने के बाद बहुत सारे रोड्स बंद रहे अभी, और काम वगैरह भी मतलब चल रहा है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक होने वाला है। और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ वांद्री लेक साइड, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो आप राइट साइड में पूरा खेत है, हरियाली है, और एकदम खुशबू जो होता है ना, गांव का स्मेल आ जाता है, मतलब अपन होम टाउन जाने का वापस से मन करता है। और लाइक इतना प्यारा रोड है, सीधा रोड, और ट्रैफिक नहीं, चिक चिक नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, एकदम शांति से जाते रहो। और अभी देखेंगे आगे नज़ारा मिलने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए जैसे पहुँचूँगा बहुत ही। और मैंने सुना है कि वहाँ पे आगे पे ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं करके,
तो छोटी मोटी राइड ऑफ रोडिंग का थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाते हैं, देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आंटी एक फ्रूटी देना, ये वाला, ये वाला। एक ये छोटा सा शॉप है और बहुत ही अच्छा हर चीज़ मिलता है, और यहाँ से वांद्री लेक जस्ट बाजू में ही है, बहुत पास। मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी आगे पूरा ऑफ रोडिंग जैसे रोड लग रहा है, तो अपन मोड चेंज कर लेते हैं। सो ये है अपना मोड, यहाँ से अपना ऑफ रोड वाला कर सकते हैं। किल स्विच करके स्विच ऑन करेंगे तो ऑफ रोड मोड पे आ जाएगा। ऑफ रोड मोड क्या होता है कि कंट्रोल बाइक कंट्रोलिंग वगैरह बहुत अच्छा रहता है, और लाइक पिकअप जल्दी लेता है, और आप कैसे भी रोड अगर ख़राब रोड भी मिल जाए ना तो बिंदास आप चला सकते हो बिना डरे, और स्लिप नहीं होगा, और ABS पीछे का थोड़ा कम लगता है, बंद हो जाता है। सो चले, ABS तो चालू है बट ऑफ रोड मोड चालू हो गया है। लेट्स तो गाइस वांद्री लेक पहुँच चुका हूँ, और सो गाइज ये देख सकते हैं रोड्स एकदम बढ़िया ऑफ रोडिंग वाला, और बहुत वक्त से बाइक को ऑफ रोड लेके नहीं गया, और लोग भी यहाँ पे आते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बस साफ़ सफाई रखिए, यही विनती है सब पब्लिक से। और रोड जो है ना भाई, गांव का रास्ता, और रोड में बाजू में नदी, मतलब एकदम बढ़िया झील है, और पूरा जंगल एकदम, मतलब पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है एकदम। रोड भी आप देख सकते, एकदम प्यारा रोड है ना, और सच में एकदम, मतलब बहुत वक्त से ऐसे रोड में चलाने का मन था, और ऐसे रोड ज़्यादा तक के बहुत, अगर आप गोवा साइड जाओगे ना तो ऐसे रोड आपको मिलेंगे। और अपना जो है यहाँ पे तो पास में गोवा नहीं है, तो पास में ही अपना दो तीन जगह है जहाँ पे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। एक है जो है ये अपना लोनावला तरफ, और एक ये अपना वांद्री लेक की तरफ। बहुत ही अच्छा रोड है ऑफ रोडिंग के लिए, बेस्ट। और नज़ारा भी देख सकते हो, कितना व्यू पॉइंट है भाई। और रात को तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, दिन में आओ अच्छा है, चहल पहल रहता है, लोग पब्लिक रहेंगे, और रोड्स तो माय गॉड। बहुत वक्त से ऑफ रोडिंग करने का मन था, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल रोड, एंजॉयिंग द मोमेंट।
गुरु ब्यूटीफुल। वांद्री लेक, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये ब्लॉग 31st का आखिरी ब्लॉग है। सो नया ब्लॉग कल से शुरू होगा और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सो हम आ चुके हैं वांद्री लेक और यहाँ पे बहुत लोग भी आते हैं। 31st ऑसम प्लेस। क्या नज़ारा, एकदम सुकून वाला। सच में तो पूरा थकान एकदम मतलब निकल चुका है। कपड़ा लाता तो शायद स्विमिंग करने के लिए चला जाता। क्या नज़ारा है। सो इट वॉज ए ग्रेट डे एंड ऑसम। ये 31st कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा जगह पे आया, अच्छा टाइम स्पेंड किया ऑफ रोडिंग और ऑन रोड, बहुत ही अच्छा लगा। अभी हाईवे खाली मिला तो अच्छे से बाइक राइड करूँगा एंड देन घर पहुँच के थोड़ा आराम एंड देन बैक टू वर्क। सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और अच्छे से अपना लाइफ इन्जॉय कीजिए, अपना ज़िंदगी खुल के जिए। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आने वाले वक्त पे नया वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश करूँगा। सो ये साल का लास्ट वीडियो 31st एंड कल से नया स्टार्ट, नया साल चालू हो रहा है। और कोशिश करना है कि अपने आप को बहुत बदलना है, लाइफ में बहुत मोटिवेट होना है, काम अच्छे से करना है। सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लीज़ प्यार देती रहिए। आने वाले वक्त पे कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे वीडियो डालने के लिए, वीडियो एड करने के लिए। और ढेर सारा प्यार। अमित द ट्रैवलर को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना ख्याल रखना। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बाय। Choppers, better cook those wrists, cold butter my fist, we fire starters. I'm one out of a million, we'll reach those.